जी स्टूडेंट्स, अभी 2018 का पेपर मेरे सामने है, ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में आपने स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ डेफिनेशन सिंगुलर प्लूरल लिखवाई गई हैं, आप उसमें देखें कि स्टैट्स की क्या डेफिनेशन लिखी गई है। सेपरेट अगर मौजूद है तो सेपरेट, नहीं तो सिंगुलर प्लूरल में से कोई भी लिखते हैं। सेकेंड नंबर पे है, राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये सेकेंड चैप्टर की डेफिनेशन है कि सेकेंडरी डाटा के कोई से दो सोर्सेज के नाम लिखें, तो ये आप बुक खोलें, उसमें यकीनन मौजूद होंगे सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज के नाम। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एन एवरेज। एवरेज की डेफिनेशन पूछी गई है कि आपने एवरेज एक्सप्लेन करना है। ये थर्ड चैप्टर की डेफिनेशन है। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड मीन। वेटेड मीन का क्या मतलब है, वेटेड मीन आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इसमें देखें गिवन इन्फॉर्मेशन है N1, N2, X1 बार, X2 बार, और फाइंड करने का कहा गया है कम्बाइंड मीन। तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें। जी इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट N1, N2 गिवन है, X1 बार, X2 बार गिवन है, और X बार C पूछा गया है। कम्बाइंड मीन पूछा गया है, वी नो दैट लिखना है, उसके बाद X बार C का फार्मूला लिखें, ये सारी वैल्यूज पुट करें, आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अभी आप सिक्स पार्ट पे आ जाएं, राइट द नेम्स ऑफ पोजिशनल एवरेजेस। ये आपने, इसमें आपने पोजिशनल एवरेजेस के नाम लिखने हैं। आपको पता ना एवरेज पांच किस्म की होती हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड। तो पोजिशनल इसमें से कौन सी हैं जो पोजीशन के अकॉर्डिंग हो, तो इसमें से मीडियन और मॉड, ये दोनों पोजिशनल हैं, और जो पहली तीन है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन, वो मैथमेटिकल हैं, दो पोजिशनल हैं। जी नेक्स्ट पे आ जाएँ, इसका सेवन्थ पार्ट है, इफ़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू 0, और ये सारा कुछ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन एंड वाई। तो आपने ये, इस क्वेश्चन को मैं आपको सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें। जी अब इसमें देखें गिवन क्या है, गिवन दैट समीशन एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू 0, समीशन एक्स माइनस ये हमें इतना गिवन है और ये इतना गिवन है। ये पहले एक एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ चुका है, अब ये इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया है। तो पूछा गया है कि एक्स बार की वैल्यू क्या है और क्यों, यहाँ पे वजह भी पूछी है, यानी कि आपने बताना है कि एक्स बार का आंसर क्या है और क्यों है। तो मैं कहूँगी इसमें 35 एक्स बार का आंसर है। कैसे, क्योंकि आपको पता है एक प्रॉपर्टी, वी नो दैट समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, समीशन एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू 0, सो एक्स बार की वैल्यू क्या है, 35। जी स्टूडेंट्स, अभी आप आ जाएं नेक्स्ट पे, व्हाट इज बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड की आपने डेफिनेशन पांचवें चैप्टर में देखनी है। उसके बाद लिखा है, फाइंड पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर इफ़ समीशन P1 Q1 इज इक्वल टू दिस वन एंड ये। अब इसमें पास्ट ईयर का फार्मूला आपको वैसे तो पता है, लेकिन मैं आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ, आप देखें। जी गिवन दैट हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन। अब पूछा क्या गया है, पास्ट ईयर, तो वी नो दैट करके आपने लिखना है पास्ट ईयर का फार्मूला। ये फार्मूला है पास्ट ईयर का, समीशन P1 ओवर P0 Q1, क्योंकि पास्ट ईयर में आपको पता है करंट ईयर वेट मल्टीप्लाइड होते हैं। तो ये आपने दोनों वैल्यूज डिवाइड की, मल्टीपल बाय 100 डिवाइड करके, मल्टीपल बाय 100 करके 105 आंसर आ गया इसका। जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं, टेंथ क्वेश्चन है, डिफाइन कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर आपको पता है वो होता है जिसमें हम इंडेक्स नंबर यानी कि चेंज को मेजर कर रहे हों दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में। सिंपल इंडेक्स नंबर वो होता है जिसमें एक सिंगल वेरिएबल पे हम काम कर रहे हों, कंपोजिट में दो या दो से ज़्यादा आ जाएंगे। वैसे आप डेफिनेशन भी देख लें, पाँचवें चैप्टर में मौजूद है, विच एवरेजेस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। कौन सी एवरेज वो कह रहे हैं यूज़ होती है इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में, तो ये आप जहाँ के वहाँ से देखें, अर्थमेटिक मीन भी यूज़ होता है, मीडियन भी यूज़ होती है, और ज्योमेट्रिक मीन भी, तीनों इस्तेमाल होती हैं। आप वैसे एक बार उससे पढ़ लें कि इसमें कौन सी एवरेज यूज़ होती है। फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बाई फैमिली बजट मैथड। जी अब ये क्वेश्चन गिवन है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। जी इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, समीशन WI इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है, और ये गिवन है, और समीशन
पी नॉट क्यू नॉट गिवन है और सी पी आई पूछा गया है. वी नो दैट अब सी पी आई का हमें फार्मूला पता है क्या होता है, समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू. तो समीशन डब्ल्यू आई हमें ये गिवन है और समीशन डब्ल्यू. अब ये जो हमें ये गिवन था ना पी नॉट क्यू नॉट, ये डब्ल्यू को ही कहते हैं, यानी कि समीशन डब्ल्यू डिवाइड बाई 750, और ये हमने दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया ये 175.93. अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 में. फर्स्ट पार्ट है डिफाइन टैबुलेशन. ये सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन है, टैबुलेशन की डेफिनेशन है. सेकंड पे आ जाएँ. फॉर द क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास बाउंड्रीज बनाने का कहा गया है. तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें जी. अब इसमें देखें क्लासेस हमें गिवन है 4, 7, 8, 11, 12, 15 और हमसे सी भी पूछा गया है. तो क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका तो आपको पता है कि आपने 0.5 माइनस करना है लोअर में और प्लस 0.5 को प्लस करना है अपर में. तो 4 में से माइनस कर दें, 8 में से माइनस कर दें, 12 में से माइनस कर दें. 3.5, 7.5, 11.5 और 7, 11 और 15 में प्लस कर दें तो वो 7.5, 11.5 और 15.5. ये हमारे पास आ गई सी बी के आंसर्स जी. अब इसमें देखें थर्ड वाला क्वेश्चन है डिफाइन मीन डेविएशन. मीन डेविएशन की इसमें डेफिनेशन आपने याद करनी है. ये आप इसमें फोर्थ चैप्टर की डेफिनेशन है, ये आप देखें, आप बुक खोल के देख लें, आप उसमें लिखी होगी, आपके पास नोट्स होंगे. चौथे चैप्टर क्वेश्चन पे आ जाएं. फाइंड रेंज ऑफ -1, -3, 0, 2, 5, 8. तो अब इसमें आपको पता है कि पहले डेटा को अरेंज करना ज़रूरी है, यानी कि मिनिमम अरेंज ना भी करें तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमने करना होता है. ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, ये क्वेश्चन भी और पांचवा क्वेश्चन भी, यानी कि क्वार्टाइल डिवीजन उसमें पूछा गया, ये दोनों आप देखें जी. अब इसमें देखें रेंज का फार्मूला xm-x0 होता है. मैक्सिमम वैल्यू उसमें क्या है, 8 यहाँ पे लिखी. मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है -3, सबसे छोटी वैल्यू -3 है. -3 लिखी तो 8 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 3 = 11. ये 11 हमारा रेंज का आंसर आ गया. उसके बाद पांचवा पार्ट है गिवन दैट Q1 गिवन है, Q3 गिवन है और क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछा गया है. तो क्वार्टाइल डेविएशन वी नो दैट करके लिखना है उसका फार्मूला, Q3 - Q1/2. ये हमारे पास दोनों को माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आंसर 12 आ गया इसका जी. अभी आ जाएँ आप इसके सिक्स पार्ट पे. डिफाइन कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इसमें हमने सीन के सी वी की डेफिनेशन लिखनी है. आप ये चौथे चैप्टर की डेफिनेशन में जाके देखें. नेक्स्ट है डिफाइन कर्टोसिस. ये देखें क्वेश्चन रिपीट हुआ है कर्टोसिस वाला. उसके बाद है डिफाइन सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स. सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है कि सिंपल इवेंट क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं. सिंपल इवेंट वो होते हैं जिसमें सिर्फ ये इवेंट्स है ना, पीछे कंपाउंड की या कंपोजिट इंडेक्स नंबर पड़ा था उसमें कहा था कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, लेकिन ये इवेंट्स की बात हो रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें सिर्फ एक अकेला कह लें आउट कम लिखा हो, और कंपाउंड इवेंट वो होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा आउटकम्स लिखे हों. फॉर एग्जांपल अगर सिंपल इवेंट वो होगा जिसमें सिर्फ मैं हेड लिख दूँ कि हेड अकर, और अगर मैं लिखूँगी हेड और टेल दोनों का मैं लिख दूँ तो वो कंपाउंड इवेंट होगा. ठीक है, फिर भी आप ये सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में जाकर देखें. उसके बाद इसमें नाइन्थ पार्ट है व्हाट इज़ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हो सकता है कुछ चैप्टर छोड़े हों, यानी कि जैसे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आप ना करना चाहते हों, आपने छोड़ दिया हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, यानी कि डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करवा रही हूँ, इनमें आपने कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करें, यानी कि जो कुछ मैं आपको करवा रही हूँ ये सारा का सारा आपने करना है. डेफिनेशंस भी करनी है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर के छोड़े हुए हैं फिर भी जी. अब इसमें आ जाएं नेक्स्ट, इसका है टेंथ क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, हम देखें जी. इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
भी हमसे पूछा गया है और कहा गया है कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको पता है प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉबर्टी ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जी स्टूडेंट्स, अभी आप आज 9-11 पे लिखा है डिफाइन इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो होता है जो जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम हो इवेंट्स की, उसको हम कहते हैं कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद आप इसके 12 पे आ जाएँ। लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है और पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देखें जी इसमें गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमसे पूछा गया है। तो वी नो दैट करके आपने इसका फार्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तीनों की वैल्यूज आपने पुट करनी है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसमें 4 क्वेश्चन पे आ जाएँ। लिखा है डिफाइन कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल आपने ये खोलना है रैंडम वेरिएबल्स का चैप्टर और उसमें कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल देखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाता है रैंडम वेरिएबल, आपका नहीं है, चैप्टर इंक्लूड नहीं है, आप जाकर देख लें तो इंक्लूड है या नहीं। लेकिन आपको पता ना कि सेकेंड ईयर का स्टैट्स का पेपर हुआ है और उसमें स्मार्ट सिलेबस के अलावा भी चीज़ें आ गई, लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हैं और शॉर्ट में भी, तो एटलीस्ट आप ये जो पास्ट पेपर में जो कुछ आ रहा है ना, चाहे वो स्मार्ट सिलेबस के अलावा भी है, फिर भी आपने वो करना ही करना है। यानी कि पास्ट पेपर में जो जो डेफिनेशंस भी हैं, चाहे वो स्मार्ट सिलेबस के अलावा भी आ रही हैं, आपने वो ज़रूर करनी है। डिफाइन कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये आपने करनी है डेफिनेशन। उसके बाद डिफाइन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने करनी है। थर्ड पे आ जाइए, व्हाट आर रैंडम नंबर्स, हाउ द रैंडम नंबर्स कैन बी जनरेटेड, ये रैंडम नंबर्स की डेफिनेशन आपने याद करनी है। चौथे पे आ जाइए, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ये भी आपकी इसमें रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में ही मौजूद होगी डेफिनेशन। पाँचवें पे आ जाइए, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है और पूछा गया है वेरियंस ऑफ एक्स, तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें जी इसमें गिवन हमें ये इन्फॉर्मेशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है और वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा गया है। वी नो दैट करके आपने लिखना है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो ये आपने वैल्यूज़ इसमें यहाँ से देख के पुट की और दोनों को सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया 0.8275। जी स्टूडेंट्स, अभी आप इसके 6 पार्ट पे आ जाइए, डिफाइन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने याद करनी है, ये पहले भी आई थिंक पिछले पेपर में भी रिपीट हुई है, आप देख लें एक बार। उसके बाद 7th पार्ट पे आ जाइए, लिखा है एक्स फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 20 and 3/5, तो ये आपको पता है ये एन पी होता है और इसमें मीन एंड वेरियंस पूछा है, तो ये मैं आपको सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें। जी स्टूडेंट्स, अभी आप आ जाएँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने करनी है। उसके बाद लास्ट इसका पार्ट है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। कैपिटल एन स्मॉल एन के गिवन है और प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 पूछा गया और हाइपर ज्योमेट्रिक का फंक्शन भी लिखने का कहा गया, तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें। जी इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन हमें कैपिटल एन स्मॉल एन और के दिया गया है
और हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पूछा गया है और प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन आपने पहले लिखना है, वी नो दैट करके ये हाइपरजोमेट्रिक का ये बार बार रिपीट हो रहा है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है 3C1, 3C3 और 6C4 डिवाइड में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा हाइपरजोमेट्रिक का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का।